नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। वर्ष के 12 महीनों में ये पूर्णिमा ऐसी है जो तन मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, तो धन की देवी महालक्ष्मी रात को ये देखने के लिए निकलती हैं कि कौन जाग रहा है और वह अपने कर्मनिष्ठ भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती हैं। शरद पूर्णिमा का एक नाम को जागरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती हैं कौन जाग रहा है। अश्विनी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम अश्विनी पड़ा। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है उनमें ये सबसे पहला और अश्विन नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्य देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होता है। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। हर कोई वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। स्वयं 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है ये पूर्णिमा। इस रात को श्री कृष्ण अपनी राधा रानी और अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। कहते हैं जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरम्भ कर दी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है।